अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा मार के मशहूर होने वाले और अपने आस्ताने को चमकाने वाले पीर हक खतीब की जो है उनसे मुआफ़ी इकरारुल हसन मांगेगा, ज़रूर मांगेगा। आज मैं प्रूफ के साथ आपसे बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इकरारुल हसन जो है उसने बहुत बड़ा काम किया था कि हक खतीब को एक्सपोज किया था। अब हक खतीब से जो है ना हक खतीब की गुस्ताखी पे जो आज मैं आपके वीडियो का सबूत देने वाला हूं, हक खतीब की गुस्ताखी करने पर सैयद यानी आले रसूल को जो सजा अस्तगफिरुल्लाह मिली है वो सुनकर इकरारुल हसन खुद ब खुद हक खतीब से माफी मांगेगा। जी हां, माफी तो मांगेगा, जरूर मांगेगा। आप अपने इस वीडियो को सुनकर आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी देना है और वीडियो सुनने के बाद मैं भी आपको क्लिप सुनाने के बाद अपनी राय का इजहार देता हूं कि इसके बारे में कुछ कीमती जुमले आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले ये वीडियो सुनते हैं और उसके बाद मैं बात करता हूँ कि इकरारुल हसन कैसे माफ़ी मांगेगा, इसकी हकीकत वीडियो के अंदर है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम या सैयदी या रसूल अल्लाह, वादा अलिका व सहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। जितने भी आप सुन रहे हैं देख रहे हैं सबको एक पैगाम है और ये पैगाम जो होता है ये तनकीद नहीं होती, बराए इसलाह होती है ताकि हर शख्स की इसलाह हो जाए। और इसलाह करने का मकसद ये होता है कि हर शख्स उस गुनाह से बच जाए कि जिसकी माफी नहीं। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से आप लोग चूंकि औलिया कामिलीन से खानकाओं से कुछ लोग वाकिफ होते हैं और कुछ लोग उनसे वाकिफ नहीं होते। औलिया अल्लाह को पहचानने में काफी वक्त लगते हैं और औलिया अल्लाह को पहचान नहीं सकते। बात आप लोगों के जहन तक पहुंचाने का मकसद ये होता है, मेरे साथ शाह साहब खड़े हैं, इनके छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं, ये तो माशाल्लाह आदमी दीन है, पढ़े लिखे हैं, इमाम में खतीब हैं, मेहराब मेंबर के वारिस हैं, आले रसूल हैं, दीन को समझते हैं और यहाँ काबिलीन की करामात को समझते हैं और यहाँ की आदत को समझते हैं और यहाँ की इज्जत को समझते हैं। इनके छोटे भाई सरकार जी के पास आए वापस गए तो आपको पता है कि माशरा कैसी चीज होती है कि वो खुद तो पहले का बर्बाद हुआ है तो दूसरे लोगों को भी बर्बाद कर देते हैं। मैं आप इस मसले की तरफ आपकी तरबियत करते ये बात कह रहा हूँ। शाह साहब अला क्योंकि ये छोड़िए सकते उनके भाई छोटे भाई उनके शाह साहब फरमान है कि जब यहां से गए और सरकार जी की मैं आपको वाजे बात करूं कि बादशाह सरकार की कुछ अल्फाजों में बेअदबी कर दी, कुछ ऐसे अल्फाज जो और यहाँ की शान में नहीं कहा जाते और लोग अपने जहन दिमाग में ये बात कहते हैं कि यार ये लोग भी हम जैसे हैं, जिस तरह हम दुनियादारों की कीमत दुनियादारों पर तुमत दुनियादारों पर उंगली उठाते हैं, दुनियादारों को बहुत सारी बातें कह देते हैं लेकिन हमारा कुछ नहीं होता। तो इसी तरह अल्लाह के वली भी ऐसे ही होते हैं लेकिन इंसानों में फर्क होता है, वो आम होते हैं और जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह के दोस्त हत्ता के यहां तक होते हैं कि अरबे का इनाम फरमाते हैं कि ला खौफ, इन्हें खौफ ही कोई नहीं है, चाहे वो दुनिया उंगलियां उठाती रहे हाथ उठाती रहे जो मर्जी करती रहे, इन्हें खौफ ही नहीं है। तो जिनको खौफ नहीं है, अगर खौफ है तो सिर्फ आपने अल्लाह का है, बाकी इतना दुनिया का आखिरत का। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इनके भाई ने जब बातें की सरकार जी की बेअदबी की गुस्ताखी की ऐसे अल्फाज कहे कि जो इनकी शान में नहीं कहने थे तो शाह साहब फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने सजा क्या दी। अब देखें एक सजा है कि एक जेल से छूटते घर आते फिर दूसरी जेल में फिर दूसरी से घर आते तीसरे में। अब उन्होंने जेल से अपने बड़े भाई को यह पैगाम दिया कि मुझे कोई सजा नहीं है, मुझे मेरा कोई जुर्म नहीं है, एक ही जुर्म है कि मैंने खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की बेअदबी कर दी है, मैंने उनके शान में गुस्ताखाना अल्फाज कह दिए जिसकी सजा अल्लाह मुझे दुनिया में दे रहा है। आप जाए क्योंकि वो बहुत आला घर में आला अखलाक के मालिक हैं और आप आलमी सरकार की भी अदबी करेंगे सरकार माफ कर देंगे, गुस्ताखी करेंगे सरकार माफ कर देंगे लेकिन अल्लाह माफ नहीं करता। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, जमीन के ऊपर चलने वाला जिस्म में सांस रखने वाला हर इंसान कान खोल के सुन ले हर शख्स को माफी है। लेकिन एक बात याद रखना, खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार उस शख्स के लिए तलवार है जो खत्म नबूवत का गद्दार है। ये बात आप फिर से याद रख ले और इंशाल्लाह चाहे आसमान के सितारे नीचे आ जाए ये जमीन के सारे आसमानों पर चले जाए, आ खतीब इस बात में सौदा नहीं करेगा जितनी उंगली उठाते उठाए, लेकिन आ खतीब की जबान से यह नारा बुलंद रहेगा ताजदारे खत्म नबूवत। दोस्तों आपने वीडियो तो सुन ली है, इकरारुल हसन ने माफी मांगनी है मांगनी है मांगनी है क्योंकि अब काम भी इस तरह चल चुका है कि जो भी हक खतीब की गुस्ताखी कर रहा है उसको कड़ी सजा मिल रही है। तो आपने वीडियो के अंदर देख लिया कि हक खतीब का जो जनाबे वाला वो चेला है वो ये बता रहा है कि हक खतीब की एक सैयद ने गुस्ताखी की है, इस तरह के जुमले उल्टे सीधे बोले हैं जिसकी उसको सजा यह मिली है कि वो जेल के अंदर चला गया, उसको सजा हो गई है। मेरे भाइयों और दोस्तों, और अगली बात जो वीडियो के अंदर ये प्रूफ है बता रहा है कि हक खतीब साहब के को जो है अल्लाह का वली कह रहा है, वो कह रहा है कि ला खौफ अलैहिम कि जो अल्लाह के वली होती हैं उनको दुनिया का खौफ नहीं आखिरत का खौफ नहीं होता, वो ये साबित करना चाहता है कि जो हक खतीब है वो अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा वली है, अल्लाह का तबारक व तआला का बरगुजीदा वली है। ओ भाई खुदारा मैं हाथ जोड़ता हूं, वली ऐसे नहीं होते, वली ऐसे नहीं होते जो मेकअप करके आए और तुम्हारे लिबास पहन के आए दाढ़ी मुंडो
बुलवाए, औरतों को जनाबे वाला सामने औरतों को लेके आए, वो इस तरह कभी नहीं होता, वलियों के शुसा ताल्लुक होता भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, इकरार और हसन ने जैसे ये वीडियो सुननी है, उसने माफी मांगनी है, मांगनी है क्योंकि अब उसको पता है, अब मैंने हक खतीब को एक्सपोज कर दिया है, मजीद भी कर रहा है, तो अब उसको भी ये सजा ना हो जाए कि वो भी कभी सजा भुगत ले और वो कहीं जेल में चला जाए। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, अब ये इसकी हकीकत क्या, मजीद आगे क्या आती है, न्यू अपडेट हक खतीब की तरफ से क्या आती है, इंशाल्लाह तबारक व ताला मैं आपको जल्द ही उससे आगाह कर दूंगा। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक कमेंट्स करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।